अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे सऊदी का न्यूज़ मिलेगा, एमडी हजरत अली सऊदी ड्राइवर। लाइक और कमेंट जरूर करें। ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल जी, आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आप लोग खैरियत से रहें। चलिए आज हम गाड़ी की सर्विस करके बतलाएँगे। गाड़ी का मतलब सर्विस, मतलब गाड़ी कैसे साफ़ करते हैं, गाड़ी मेंटेनेंस, वो आयल पानी कैसे चेक करते हैं वो बतला था। बोलो था मैं कभी गाड़ी के बारे में बताऊँगा, तो आज केवल गाड़ी के बारे में। गाड़ी में सीट कैसे सुनते हैं, मिनर लुकिंग ग्लास जो साइड मिनर जो होता है वो कैसे चेक करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, सब यही आपको मिलेगा। फटाफट चलो हम चालू करते हैं। 1 2 3 देखिए, तो फर्स्ट मैं आपको बोनट खोलने के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बोनट खोलने वाला है। देखिए आप पास में ये देखिए दिख रहे हैं, इसको खोलेंगे, खुल गया बोनट। चलिए हम थोड़ा हम अपने लिए रखते हैं, हमारा वो बम्पर उठाने वाला ख़राब हो गया। तो चलिए हम इंजन से स्टार्ट करते हैं, काम अपनी इंजन से सर्विस करेंगे। यहाँ पे लॉक रहते हैं, यहाँ देखिए वहाँ से खोलेंगे तो यहाँ एक छोटा सा लॉक रहता है। चलिए हम मोबाइल थोड़ा इधर रखते हैं एक मिनट के लिए, क्योंकि मैं बम्बू लगाऊँगा कैसे। यहाँ मोबाइल रखते हैं, उसको लगाते हैं, लग गए। चलिए लग गए, एक मिनट में कपड़ा लाना पड़ेगा। कपड़े ले ले आ गए, इसको फटाफट हम वो करेंगे, इसको झाड़ेंगे। चलिए आपको हाथ उठा के दिखना, आप ऐसे कपड़े से झाड़ देंगे। इंजन पर थोड़ी मिट्टी होता है, थोड़ा सा प्यार से झाड़िएगा, क्योंकि सूच बहुत रहता है, कोई सूच निकल गया आपको दिक्कत हो जाएगा। ये हमेशा हो जाता है, मैं रोज मारता हूँ। देखो मेरे गाड़ी के इंजन भी कितना साफ है, मेरी गाड़ी के इंजन भी साफ है। देखो हो गए, तो इतना कपड़ा मार दिया गाड़ी में। चलिए इसकी गाड़ी के कर दिया, हम लोग चालू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग आएंगे, चलिए फर्स्ट आएंगे हम पानी चेक करेंगे। ये देखिए ये वाटर प्रूफ वाटर रेगुलेटर, जो हम लोग रेगुलेटर का पानी चेक खोलेंगे ढक्कन। आप लोग सोचेंगे इसमें पानी दिखा, लेवल दिखता है, यहाँ पे लेवल दिखता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम रहना चाहिए। और देखिए पानी भी आपको दिखला दें, इसमें दिख रहा है पानी। देखिए पानी पूरा बराबर है, हो गया मेरा ये पानी लेवल सही है। तो देख समझ में तो आ गया होगा पानी में लेवल सही है। इसके बाद ये आ जाइए पानी, ये भी सही है, इसको रेगुलेटर वो वाइफर पानी बोलते हैं। उसके बाद आज ये हम गैस निकालते हैं। ये मोबिल है, देखिए देख रहे हैं, ये देखे दो पॉइंट है ना, तो इतना रहना चाहिए। चलिए इसको मैं साफ़ करके दिखलाता हूँ, एक मिनट फोन को थोड़ी देर के लिए उठाता हूँ, थोड़ी देर के लिए फ़ोन को उठाते हैं। मैं थोड़ा टी सी पेपर लाया हूँ, टी सी पेपर से देखेंगे साफ़ करके। ऐसे टी सी पेपर लेके साफ करिए, कपड़े भी होगा तो अच्छा, बाकी कपड़े से साफ करेंगे ना तो कपड़े में मोबिल लग जाएगा। इसको हम डालेंगे अंदर, डालें इसको निकालें। देखिए हमारा जो लेबल सही है, यहाँ तक रहना चाहिए। ये दो बिंदु नहीं, ये फर्स्ट सेकंड पर रहना चाहिए। हम इसको साफ करके वापस डाल देंगे, मोबिल मेरा सही है। हमारा मोबिल सही है, मोबिल सही है। इसको गज को हम अंदर डालेंगे,
ये मोबिल गेज जो हम लोग मोबिल नापने के बोलते हैं, मोबिल चेक करने के लिए, मोबिल डालने वाला निकालने वाला, तो नीचे मोबिल डालने वाला आपको भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ी ये मोबिल गिर गया है, इसको पोस देखो, क्योंकि हिला दिया था ना गैस, गिर गया तो अच्छा नहीं लगा। चलिए ये तो हो गया। चलिए अभी हाथ में मोबाइल लेके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है मोबिल डालने वाला, ये देखिए उस पर छाप भी दे रहा है मोबिल डालने का। ये देखिए इंजन भी पूरा दिख रहा है, तो इसको ज़रूरत नहीं है हमको खोलना बाकी आपको दिखलाने के लिए। बस हमको ये वाला, ये वाली पीली वाली गैज रहती है, ये इसी से हमको मोबिल चेक करना रहता है। ये हो गया। अब आज ये ब्रेक ऑयल चेक कर लेंगे। ये देखिए ब्रेक ऑयल भी सही है मेरा, और यहाँ पे भी लिखा रहता है मैक्सिमम, इस साइड लिखा है। देखिए आपको इस साइड से दिखला दें। देखिए थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है मेन्यू, मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए, ओके। और ये बैटरी का है, अगर कभी कल शक लगे तो इसको खोल के आराम से ये खोल के चेक कर लें। उनका कपड़ा भी मार देंगे साफ हो जाएगा, चेक करेंगे तो कपड़ा ही मार देते हैं साफ हो जाएगा। हो गया मेरा सब काम, हो गया। ये तो फिल्टर ही, फिल्टर हम लोग साफ़ नहीं करते हैं, पूरी गाड़ी ऑटोमेटिक सब गाड़ी है। हमारा काम है आयल पानी चेक करना, बस बैटरी का टाइम होना चेक करना, बैटरी का टाइम होना। देख ही रहे, मेन वाला हो गया रेड और ब्लैक, काला लाल पीला गरम ठंडा हम लोग बोलते हैं वो टाइप का भी। तो हम यहाँ से काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इधर काम हम लोग क्लियर हो गया। थोड़ा चलेंगे गाड़ी को आवाज़ करके, मतलब गाड़ी गर्म करेंगे थोड़ा आवाज़, गाड़ी स्टार्ट करके हम देख लेंगे इधर को क्लियर फाइनल हो गया। आपको बतला दिया ये गैज, गैज नापने वाला है जो हम लोग बोलते हैं आयल डालने वाला गैज नापने, तो ये आयल डालने को हो गया। ये गैज का इंजन आयल कितना है उसका लीटर या गहराई, या इसको इंग्लिश में आरबी में इंग्लिश में भी कुछ और बोलते हुए भूल गया हूँ शायद, नाप अपने शुद्ध भाषा में हम लोग नापने वाले बोलते हैं कि वो गैज चेकअप है, टेस्टिंग है वो भी बोल सकते हैं। और चलिए तो हमारा सब हो गया, और निकालने वाला तो नीचे होगा, वो तो मैकेनिक जब निकालता था होगा। चलिए तो हम नीचे आगे काम बढ़ाते हैं, आगे हम काम बढ़ाते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं कि गाड़ी के थोड़ा मोबिल चढ़ाना है, गाड़ी के मोबिल चढ़ाना, तो मतलब हम पहले गाड़ी चढ़ाएंगे, पहले मीटर सेटिंग करें, ये सब बाद में करेंगे, गाड़ी जब पीछे करेंगे। तो पहले हम गाड़ी हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे। तो पहले हमारी देखिए नीचे के देख लीजिए, गेट खोले नीचे देखिए दिख रहा है, ये है मेरे का, ये है मेरे का, ये दबाएंगे लग जाएगा, ये उठाएंगे निकल जाएगा। इसको मैं नहीं डाला था, गलती किया था, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं, ये डाल देते हैं, ये ब्रेक है, इसको डालें दबाएंगे। ये एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर है दिख रहा है आपको, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक का भी जब उठाना लगाना तभी ये पैर काम, ये पैर को एनी टाइम काम होता है, ये पैर इसी से ब्रेक है इसी। और यहाँ पे ये ब्रेक लगा करके यहाँ आ जाइए, इस साइड आ जाइए। चाबी है, ये चाबी हम यहाँ डालेंगे, फर्स्ट टू थ्री पे आके गाड़ी स्टार्ट होती है। देखिए फर्स्ट में डाला तो नहीं कुछ हुआ, टू में डाला तो यहाँ पे सब सिस्टम काम करने लगा, सब चीज़ काम कर रहा है, मीटर में लाइट आ गई। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, एक्सीलेटर नहीं देंगे, बस स्टार्ट हो गई गाड़ी, स्टार्ट हो गई। अब देख लीजिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं मीटर भी बतला रहा है गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब बस ये मेरा यहाँ तक आ जाएगा, देखिए पास से देखिए, ये अभी हमारा गाड़ी गर्म नहीं है, मतलब हमारे मोबिल नीचे हैं तो मोबिल चढ़ेगा, तो ये दूसरा पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ तक आ जाएगा। चलिए हम आवाज़ की भी गाड़ी के बारे में बता देते हैं,
या अल्लाह। देखिए हमारी गाड़ी का आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ भी बदल रही है गाड़ी का साउंड, गाड़ी का साउंड भी देखिए होता है। तो हमारी गाड़ी के बोनट का पानी चाहिए, इसके थोड़ा ऐसे उठाएँगे, इससे आइडिया मिल जाता है ये साउंड रुक गिरेगा। तो हम इसको मोबाइल पकड़ेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको ऐसे हाथ में रख लेंगे, आस्ते से धीरे से मेहनत निकालने का मेहनत मिल जाएगा। इसको मैं निकाला था जहाँ रख लेंगे, हम डिग्गी में रखते हैं इसको, हम हमेशा यूज नहीं करते थे, ताकि ये रखता हूँ इसलिए कर देता हूँ। मैं ये डिग्गी में लगी सब रखता है, कपड़ा नहीं बिछाने वाला। और एक चीज़ आप लोग बतलाना भूल गया था, ये भी बता, देखिए स्टेपनी इधर रहता है, स्टेपनी इधर रहता है, जग सब रहता है, जग स्टेपनी सब आपकी गाड़ी के सामान, ये भी चेक करना ज़रूरी होता है। देख रहे हैं स्टेपनी कवर सब, ये सब चेक करना ज़रूरी होता है। किसी दिन और फुर्सत से एक पार्ट समझा दूँगा इसके बारे में। ये देखिए जग है, और ये मेडिकल सब जो होता है, जो गाड़ी के सामान है लगता है वो सब रहना चाहिए, चेक करना भी फर्ज होता है हम लोगों को। चलिए तो ये हो गया इधर तक, बस अब आप लोगों को बोला था ना कि गाड़ी के सीट एडजस्ट करें, जब तक हमारा गाड़ी का क्या बोलते हैं मोबिल नहीं चल रहा है। अभी देखिए हमारी गाड़ी की मोबिल अभी नहीं पड़ी, ऊपर आई है, दो एक सेकेंड और लगेगा, तो हम इतना देरी में हम मीनर सेटिंग करेंगे। देखिए ये मीनर का है, ये दबाएंगे ये वाली, तो इधर का मीनर घूमेगा ये वाली, तो हम सेटिंग कर रहे हैं। ये वाली दबाएंगे उधर का करेगी ये वाली, देख हिल रहे हैं आपको देख रहे होंगे हो रही है। चलिए दोनों मीनर का हो गया, ये कांच के तो आपको मालूम है, ये गिराना उठाना, ये दोनों आगे पीछे के हैं इससे, और ये पीछे के हैं दोनों। और सीट एडजस्ट करना था, तो आपको सीट का भी दिखला दें, देखिए यहाँ पर सीट का है, इसको हम पीछे जा रहा है, इसको आगे करेंगे आगे जाएगा, और इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर आएगा, हम नीचे करेंगे इसको भी ऊपर करेंगे इसे होगा, और इसे करेंगे इससे होगा, और इस वाले को ऐसे करेंगे नीचे जाएगा, तो हो गया। और ये है, ये वाली है, इसको इस वाले को नचाएंगे तो ये पीछे वाला होगा, और ये आगे पीछे करने वाला, ये तो जान ही रहे, ये वाले पॉइंट से सीट आगे पीछे होता है। चलिए तो आप लोग ये भी क्लियर हो गए। चलिए सीट एडजस्ट हो गया, मैं तो अपने चलाने के लिए बाद में वापस करूँगा, सीट एडजस्ट नॉर्मल समझा दिया आप लोगों को। और ये सीट बेल्ट को तो मालूम है, देखिए बतला देता हूँ सीट बेल्ट, मैं मोबाइल पकड़ा हूँ तो चलिए मैं मोबाइल रख के बतलाता हूँ। सीट बेल्ट ऐसे पकड़ेंगे, ये हाथ से पकड़ेंगे और ऐसे करके ऐसे डालेंगे, डालने वाला दिखला दें एक मिनट, ये देखिए इस हाथ से पकड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे, ये लॉक है, इसमें लॉक में डालेंगे, यहाँ सीट बंद हो जाएगा सिस्टम। ओके तो यहाँ से हो गया, अब मैं मेरी गाड़ी की टेम्परेचर भी देखिए सही हो गया, गाड़ी का मेरा हीटिंग जो है वो सही हो गया है, तो हमारी गाड़ी के सीटिंग एडजस्ट हो गया, गाड़ी गर्म हो गई। तो मेरी देखिए गाड़ी पे मीटर हो रहा था, पहले हमें गाड़ी आगे पीछे करने से पहले हम यहाँ पार्किंग से ऐसे करेंगे, ये स्विच है देखिए, आपको दिखलाया भी हर वीडियो में दिखलाया होगा, फिर दिखलाते हैं, ये स्विच दबा के नीचे ब्रेक दबाए हैं, देखिए नीचे ब्रेक दबाए हैं, और ये स्विच जब तक नहीं दबाएंगे गियर नहीं लगेगा, स्विच दबा के ऐसे करेंगे तो न्यू आर पे आएगा, पी से आर पे आता था, न्यूट्रल पे करेंगे, उसके बाद हम हैंड ब्रेक जो लगा है, हैंड ब्रेक दिख रहा है, इसको हटाएंगे और पीछे जाने के लिए आर करेंगे, और आस्ते आस्ते हम देखिए हमारा रिवर्स कैमरा है तो इधर रिवर्स कैमरा दिखला भी रहा है, तो आस्ते मीनर देख के पीछे करेंगे। बस मैं आज गाड़ी उतना साफ़ नहीं किया, बस यही थोड़ी मेरा बतलाना था, यही टाइपिंग मेरा बचा था,
फ्रेंड लोग की गाड़ी कैसे चलती है। तो धीरे धीरे स्टीयरिंग सीधा करेंगे, मिनर देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, मेरे को पीछे करना है बस इतना ही। पीछे करके तो गाड़ी चला चला के तो मैं बतलाता ही हूँ। तो हमारी गाड़ी आ गई पॉइंट पे। तो फैन हम इसको न्यूट्रल करेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल भी आ गया, न्यूट्रल से हम पार्किंग में ले जाएंगे। देखिए पार्किंग आ गया, इधर भी पार्किंग आ गया, देख रहे हैं पार्किंग में लग गया। पार्किंग में लग गए, ब्रेक डाल देंगे हैंड ब्रेक, बस गाड़ी हो गई क्लियर। तो आज के वीडियो पे हम आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बतलाने के लिए आए हैं। तो और ये सब सिस्टम बोला था आप लोगों को तो वो कभी और बतलाएंगे, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी गर्म है, एसी की चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम एसी ऑन नहीं कर रहे हैं। ये हीटिंग का है, ये हीटिंग है, एसी का हाई लो का है, मतलब जितना फ़ैन आगे करेंगे उतना एसी जाएगा। और ये ऑन ऑफ हो गया, इसी में भी आगे का वो जो हवा मारने के जैसे हीटिंग के कांच पे बाफ आता है, यहीं से ये दबाएंगे तो हो जाएगा। ये एसी का हो गया, बस आप लोगों को समझ में आ गया। ये मुंह पे नीचे पैर पे ये हो गया, गाड़ी के बारे में तो क्लियर। और ये साउंड का है, ये मैं अभी बंद किया हूँ, ये टेप का, ये एफएम का सिस्टम टेप का होगा बस। तो क्लियर आप लोग समझ गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टेप जाएंगे। चलिए तो आप लोग थोड़ा रूम पर चलते हैं, ब्रश करना है, ये भी करना है। क्लियर है कि आप लोग को गाड़ी के बारे में जो बाकी था मैं बतला दिया। अगर आप लोगों को जो नहीं मालूम हो तो कमेंट करिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियो उस पर बना देंगे वापस, जो कमेंट में बतलाए कि हाँ हजरत भाई ये चीज़ बाकी रह गई, ये गाड़ी के बारे में नहीं बतलाएँ। और लॉक ऑन लॉक का तो यहाँ से सिस्टम भी है, देखिए यहाँ से ऑन ऑन लॉक का है, ये तो बतलाया, फिर बतला देंगे। वैसे तो सब गाड़ी में चार्जिस ही होता है, चाबी अंदर से भी है। तो हमारी गाड़ी रेडी हो गई तो हम लॉक करेंगे, लॉक की आवाज़ आ गई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह तब हमारी काम क्लियर हो गई। चलिए थोड़ी देर रूम दिखला दें, फिर वीडियो लंबी हो गई, चलेगा इतना लंबी 18 मिनट के होगा। कार रेडी करने के चलते मैं ब्रश भी नहीं किया हूँ, अब ब्रश करूँगी जाके। वॉच यही ट्रैफिक था, लाइट ऑफ करके गया हूँ तो रूम मेरा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। देखिए कुछ रूम भी सेटिंग नहीं था, वैसे कपड़ा तबीयत पानी ख़राब था इसके लिए, क्योंकि मेरा बाथरूम खत्म सब जाकर रखा हूँ, देख रहे हैं पूरा मस्त। तो नेक्स्ट टाइम पे चलिए हम ब्रश करने जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये थोड़ा बॉयल पानी पीता हूँ तो बॉयल पानी कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गाड़ी चला के तो दिखला ही दिया हूँ, गाड़ी के बारे में और बतलाने को मतलब, और जो भी बचा है परफेक्शन मैं पिक्चर वो सेंड कर दूँगा, वीडियो बना दूँगा, उस पर आप लोग कमेंट करिए। और नए फ्रेंड लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए ऑल पे, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए कि हमारी वीडियो कैसी लगे। ओके तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे कि हम गाड़ी को कैसे मतलब चला के दिखला रहे हैं, वापस चला के दिखलाएंगे। लाइसेंस के जो जो टॉपिक है वो आस्ते आस्ते मैं पूरा करता जाऊंगा, और सोचा कि भाई लोग नए भाई लोग को अच्छे से बतला दें, ये वीडियो बना दें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग यही करेंगे कि गाड़ी सफाई तो कर दिए हैं, गाड़ी के बारे में बतला दिए, बस नेक्स्ट वीडियो में हम यही बतलाएँगे आप लोगों को कि गाड़ी के चलाने से पहले तो ये भी बताएं कि पेपर क्या कराना चाहिए, लाइसेंस के गाड़ी के डॉक्यूमेंट को चेक करना, कब क्या डेट सब दिखला देंगे। और जो भी है क्वालिटी गाड़ी का सऊदी के अंदर में कैसे होता है, कैसे रहना पड़ता है, सब आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, ओके ऑल फ्रेंड, बाय बाय, माशाल्लाह। सब तरीका बताया गया, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो लाइक और कमेंट और अलग